और गुजरात पुलिस के द्वारा युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों अंबिकापुर शहर के शंकर घाट के पास किसी बात को लेकर एक ढाबा में किसी बात को लेकर ढाला संचालक में विवाद हो गया था, जिस विवाद में इतना बढ़ गया विवाद कि मारपीट तक नौबत आ गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन युवकों को थाने लेकर आई और यहां पर एक युवक को पुलिस आरक्षक मनोज उपाध्यक्ष ने बेरहमी से पिटाई कर दी और जिसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। वहीं इस मामले में सरगुजा SP ने थाना प्रभारी को अस्पताल में बयान लेने के लिए कहा। पुलिस इस मामले में आगे की अब जाँच में जुट गई है। ये हो गया था कि 31 तारीख को मेरा विवाद हो गया था ढाबा वाले CG 15 से। कहाँ पर है ढाबा? यही शंकर घाट में ही है, मेरे ही घर के पास। उसके बाद फिर वो विवाद खत्म हो गया था। कल परसों दिन रात में 1 तारीख के दिन फिर एक लड़का मेरे से जिससे विवाद हुआ था, मेरे दुकान वाला लड़का का, वो मोबाइल वोबाइल सब लूट के रख लिया और बोल रहा था कि जा मेरे को बुला के ला करके मेरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो मैं नहीं गया, तो दुकान वाला लड़का उसका बैनर उनर को फाड़ उड़ गया था। तो सुबह फिर वो केस कर दिया कोतवाली में। पुलिस आए, मेरे को लेके गए, मेरे साथ में 2 जन को आओ ले गए। वो लोग कुछ नहीं किए, मेरे को भयंकर मारा पुलिस वाला। सर मेरा नाम मसूद आलम है, चोट लगी है। ये मेरा छोटा भाई है सर, इसका शायद 31 दिसंबर के रात में CG 15 ढाबे वाले से कुछ इसका जो है विवाद हुआ था। तो शायद मतलब शिकायत कर दिए थे कोतवाली में। तो कोतवाली में शिकायत करने के बाद उठा के ले गए इसको पुलिस वाले उठा के ले गए, ठीक है 3 जने को, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मारपीट दिया है सर। हमारे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से ऐसा आया है कि किसी ने पुलिसकर्मी पे मारपीट का आरोप लगाया है। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को वहाँ मौका जांच के लिए भेजा गया है और लिखित शिकायत प्राप्त होने पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।